Barcelona, Inter Miami, Atlanta, Miami, directo. मार डाला भाई साहब, बॉलीवुड, हिप हॉप, सालसा, आलसा, मूनवॉक, सॉनवॉक, कांजीवरम, कुचिपुड़ी, हैं, मेहंदी डांस, बारात डांस, पॉलिटिकल डांस, सब सिखाते हैं हम। बोलिए आपको क्या सीखना है? डांस? मैं तो प्लॉट देखने आया हूँ। प्लॉट है ना, 1 BHK, 2 BHK, बंगलो प्लॉट, आवर टावर। पर भाई साहब, जो पावर कोठी में है ना, वो किसी में ना है। इनकी शकल देख के लग रहा है इनको सस्ता वाला ही दिखाना पड़ेगा भैया जी। अबे तो दिखा महंगी वाली चीज भाई साहब, आपको सस्ते में। भाई साहब को महंगी वाली चीज ना सस्ते में दिलवा दूंगा। तू फोटो दिखा इनको, मैं आ रहा हूँ। अच्छा लगेगा जे, कितने की मैडम? जे वाली और जे वाली 350 रूपए की। 350 जे? जी जे भार में 100-100 रूपए की मिले। कैसी बातें कर रही है मैडम, 100 मत जगह ब्लाउज पीस भी ना आएगा। आप एक काम करिए, अपना नाम बता दीजिए। 55 55? हाँ 55 ठीक है। मैडम फोकट में ले जाओ, बाहर वो हैंकी की दुकान है, 55 रुपए में आता है। मैडम मोल भाव की कोई सीमा होती है कि नहीं? अच्छा फाइनल 65? आपसे नहीं हो पाएगा मैडम, छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? अरे नहीं नहीं नहीं, आप 100 दे देना सिर्फ आपके लिए। चलो चलो पैक करो। मैं पगला गए हो क्या? अरे ना मैडम ना, 300 रुपए से 1 रुपया कम ना होगा इस साड़ी का। कमाल है, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। बात पक्की रही, 100 में जे पैक कर दो। अरे कैसे 100 में दे? अरे विकास रुक, वैसे चमेली चांदनी चमेली माइसर बाबूलाल, प्यार से लोग मुझे चांद बोलते हैं, मेरी चांदनी। प्यार से बात ही कौन करता है जो चांद कहेगा। मैडम 300 रुपए से 1 रुपया कम ना कर सकता मैं, अब आपको चाहिए। बात है गई है 100 रुपए में, जे में 100 में ले रही हूँ। 100 रुपए में कैसे? अरे बहस ना करो, ये साड़ी जो है 300 से कम दे ना पाएंगे। अरे बाबूजी आप ये 100 देंगे, 200 में दे दूंगा ना। दे दो ले लो ले लो। दे। पहले तू पैसे दे, चल निकाल। अब जाइए, हमें साड़ी ना बेचनी चाहिए। क्यों ना बेचनी? चल निकाल 200 रुपए। आग क्या मार रहा है साले? बाप की दुकान समझ रही अपने साले लौंडियाबाज। गाली किसको दिया बे? हाँ तेरे बाप की दुकान है ना, तो क्यों नहीं बैठता? दोनों भाई ऐसे भाभी बन के बैठे रहते हैं दिन भर। टुच्चा पत्रकार कहीं का तेरी तो। तू मुझे बताएगा जहाँ मुझे काम करता है? साले रंगीन कुत्ते, संभालो इसे। बोल, इज्जत है मेरी यहाँ पर, छोड़। आ जा, तूने बहुत सड़कें बनाई हैं। तू रोज रोज जाके सब क्यों झगड़ा करता है? जान दे, क्या करे, साला है मेरा। भैया ऐसे सालों की वजह से साला गाली बन चुकी है। और देता आते जे जापे गुड्डू, गिरे बांध छोड़ो इसका, चलो घर जाओ। जीजू मैं कुछ कर दूंगा। क्या करेगा? अभी तक ठीक था, देवी का देवर था इसलिए छोड़ रहा था। आज पानी ना सर का ऊपर हो गया। फिर भी ना डूब रहा तू? सूखी लकड़ी हूँ, नहीं डूबूंगा। चल तो सकता है ना। सुधा है, भूल गए का? नो। कौन है जे? छोड़ो बॉबी, साले सुधा औरत के साथ मजे ले रहा है तू। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। कहाँ चाहिए? तुम काम करो, होटल जाओ, मैं 1 घंटे में आता हूँ। 2 घंटे भी लग सकते हैं। आपके टायर बहुत अच्छे हैं।
हैप्पी होली काकी। आज होली है? गुड्डू को बोलिए हम आए हैं, हमें भी चाहिए। क्या चाहिए? वही जो गुड्डू अकेले। कौन था रश्मि? था नहीं, कोई पागल था, बोल रहा था मुझे भी चाहिए, तुम्हारा नाम लेके भाग गया। मेरा नाम लेके भाग गया? ऐसा तो एक ही आदमी है, वो भी मथुरा में। रेडियो सिटी 91.1 पर मैं हूँ पलक आपके साथ। तो बस जी आ गई हूँ मैं लेकर आपकी चाय की तरह एकदम खड़क शो। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए भरना का, जब प्यार किया तो डरना का। गुड्डू जल्दी बाहर आ, जब प्यार किया तो डरना का, जब प्यार किया तो डरना का, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आए डर। विकास, क्या कही थी मैंने? छोटे भैया तुमसे पहले शादी कर लेगा, ये देखो अब तुम ना जीवन भर अकेले रही हो। शर्म नहीं तुझे सब करने से पहले? एक बार भी तू मेरे बारे में सोचा कि मेरा क्या होगा? हराम खोर कुत्ते, उधर क्या देख रहा है? इधर देख, इधर। शादी करनी थी ना तुझे, शादी करनी थी ना, थोड़े दिन रुक नहीं सकता था? मेरी भी तो बात चल रही थी। पता है आज तक शुक्ला खानदान में कभी ऐसा ना भयो कि छोटा भाई ने बड़ा भाई से पहले शादी कर ली, नहीं इस तरह से भगोड़े भगोड़े की तरह शादी करी है। पर तुझे तो इतिहास बदलना था ना, बदल दिया इतिहास, खुश हो? भाग के शादी क्यों करी तुझे? इतनी अच्छी लड़की है, जरा से कपड़े कम है, पर कोई बात नहीं, हम करवा देते तेरी शादी। एक बार तू कह के तो देखता, अपनी माँ से तो कह सकता था ना। मम्मी स्टॉप, प्लीज। विश्रम चिका उठवा ले तुमने हमारे बेटे से, हमें तुमसे जो उम्मीद नहीं थी, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे जीजू तुम्हारी इज्जत की छोड़ो,
मेरे प्यारे विकास के बारे में सोचो है? अब इसकी जिंदगी तो झंड हो गई ना, अब भाई कुंवारे तो मरेगा जे। अरे रे बैरी सर, मतलब जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है ना। अरे विकास भैया के मुंह पे तो काले पोत दिया थोड़े भैया ने। ए साले, साले साहब आप लोग चुप करेंगे? ये हमारे परिवार का मामला है, बीच में मत पड़िए आप लोग, समझे? अरे हमारे भैया पे क्यों चिल्ला रहे हो आप? जो होना सा तो हो गया, अब जी लड़की से पूछ लो इसको कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा करना आता है कि नहीं आता है, बस। अरे चुप हो जाओ भाभी, चुप हो जाओ। और क्यों ना बोले, ये कौन सा परिवार, कैसा परिवार? जा परिवार में छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत तक ना करता है। ये तो बाबूलाल ने हमें बता दिया, नहीं तो इसके संग भागने वाला था ये चुपके। वो देखो देखो उसका बैग पड़ा। जी कैसे होगा? खान साहब किधर चले, आप ही की कमी थी, आइए तो नहीं लाए अपना। बस अब्बास, मतलब ये बात तुझे पता थी? अरे हम पूछ रहे हैं, कुछ पता थी? जी सारी दुनिया को पता है, बस परिवार को ही ना पता। अरे उधर क्या देख रहा है, पूरी रामायण हो चुकी है, बस तुम अपना मुंह खोल दे। तुम तो हमें ये सब बता सकते थे ना, या इनको तो रोक सकते थे किसी से ना कहीं। मैं क्या कहता, अब तो मैं इतना ही बोलूंगा कि जो हुआ भूल जाओ, आप ना इन दोनों को माफ कर दो और इन दोनों की शादी करा दो। शादी? पगला गया होगा, आप कैसे करा दे शादी? अरे पंखा क्या है क्या तू, मतलब इन दोनों की शादी ना होगी क्या? तेरा दिमाग तो सही है ना, एक बार जब शादी है गई तो दोबारा क्या करा है? हाँ। है कब? अरे हाँ शादी तो है नहीं, वो देखो फोटो देखो, ये फिल्म देखो, हमारे सामने हुए सातों के सातों फेरे, हम वहां से लेके आप वहां नहीं थे। हम कह रहे हैं कि आप अपने लिए और समाज वालों के लिए इनकी शादी एक बार फिर करा दो धूमधाम से, इनको सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हाँ ऐसे कर दीजिए जी, सही है, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। हाँ आंटी जी, माँ बाप के बिना शादी शादी थोड़ी ना होती। तुम लोग अपना बकवास बंद करोगे? तुमने अपने माँ बाप के बारे में कुछ ना बताया, है कौन वो? हाँ